अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शमा सिकंदर और मैं आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने परिवार के साथ हैं। अगर नहीं है तो मेरी पूरी दुआएं, पूरी सहानुभूति आपके साथ है। और मैं दुआ करती हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने परिवार, अपनी फैमिली वालों के साथ मिल जाएँ। और जो लोग अपने परिवार के साथ हैं उन्हें मैं कहूँगी कि आप लोग बहुत ही खुशनसीब हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो हालात चल रहे हैं उसमें तो अपने परिवार के साथ रहने से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह हम सबको इस मुसीबत से लड़ने का पूरा करेज दे, इस मुसीबत से लड़ने की पूरी विजडम दें, ताकि हम जो भी इससे सीखें, इस वक्त से सीखें, उसे आगे अपने साथ अपना साथी बनाकर चलें। सो ईद मुबारक वंस अगेन, एंड अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी बहुत सारी खुशियों से, अच्छी हेल्थ से, हंसी से, प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत करने वाले परिवार से भर दें। आमीन। नमस्कार, मैं हूँ शमा सिकंदर और आज मैं आप सबके सामने एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आई हूँ। इस पैंडमिक के चलते बहुत सारी कंट्रीज़ में ये जो बीमारी फैल रही है, इसकी वजह से हम तक सर्जिकल मास्क नहीं पहुँच पा रहे हैं ठीक तादाद में, और उसकी वजह से वो सारे लोग जो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाले सड़कों पर खड़े हैं, डॉक्टर्स, पुलिस और बहुत सारे अलग अलग सत्य के कर्मचारी, उन तक ये मास्क नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। इस बड़ी सी मुश्किल को एक बहुत ही आसान तरीके से हल किया जा सकता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी औरतों को आई एम श्योर टेलरिंग आती है, और अगर आपके घर पे मशीन है तो आप एक कोई भी अच्छा सा रुमाल काट कर एक अच्छा सा मास्क अपने लिए बना सकती हैं, अपने परिवार वालों के लिए बना सकती हैं। और अगर नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास वो रुमाल है, आप उस रुमाल को एक स्काफ की तरह, आपके पास स्काफ है, उस रुमाल को आप बांध कर अपना प्रोटेक्शन कर सकती हैं। बहुत ही छोटी सी बात है, एंड आई एम श्योर हम सब ये मिलकर कर सकते हैं और हम सब इस बीमारी को डट कर हरा सकते हैं। अपना देश, अपना मास्क।